पहले तो भूत भी बन चुकी हैं, इस रोल को कितना एंजॉय कर रही हैं? सी मैं तो एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज ये मतलब मालविका इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम साजी एंड भूत इज ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स. तो जिस तरीके से बात करना है, वॉइस मॉड्यूलेट करनी है, जो कुछ भी है, जो भी सीक्वेंस है, मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ एंड आई होप ऑडियंस इसको और भी ज़्यादा इन्जॉय करें. अच्छा, निकिता को इतना ज़्यादा क्यों डराया जा रहा है? साची तो निकिता को डराएगी ही ना, उसने एक तो मतलब उसके पति के पीछे इतनी बुरी तरह से वो पड़ी हुई थी और काफ़ी सारी जो उसकी रेवोल्यूशन है वो तो ऑडियंस ने देख ही लिया है कि असलियत क्या है निकिता की. वो आर्यन को चाहती है और ये चाहती है कि सांची उसकी लाइफ से चली जाए. तो अगर और आप लोगों ने देखा है कि सांची सबकी लाइफ से चली गई है, तो अब जो ये आई है ये इसे छोड़ेगी तो नहीं ना. बुरे इंसान के साथ बुरा ही होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए? तो लग रहा है निकिता सुधरने वाली है, अपनी गलती मानेंगी सबके सामने. नहीं मानेगी तो उसकी नानी याद करा देंगे हम. इसी तरह डराती रहेगी सांची, इसी तरह सांची आती रहेगी, डराती रहेगी और उससे सच उगलना ही पड़ेगा क्योंकि अपनी जान तो सबको ही प्यारी होती है. फैंस को यही मैसेज देना चाहती हूँ दैट आपको हमेशा मैं यही बोलती हूँ दैट आई लव यू सो मच. आप इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू. और देखते रहो, आप लोग शुरू से अभी तक हो और मुझे पता है आखिरी तक हमारे साथ होगे. थैंक यू.